जन आशीर्वाद यात्रा की सभी तैयारियां हुई पूरी। मंगलवार की सुबह मुख्यमंत्री पहुंचेंगे रीवा, रात्रि विश्राम करेंगे रीवा में। कार्यक्रम की शुरुआत त्योथर से। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार की सुबह हवाई जहाज से रीवा पहुंचेंगे। हवाई अड्डे से ही वह त्योथर के लिए रवाना हो जाएंगे। त्योथर में आम सभा करने के बाद मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से सिरमौर पहुंचेंगे। यहां पर जनसभा करने के बाद उनकी जन आशीर्वाद यात्रा सड़क मार्ग से प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री के काफिले का रास्ता सिरमौर से अंदर ही अंदर होता हुआ बसामन मामा के रास्ते सिमरिया पहुंचेगा। यहां पर जनसभा के बाद मुख्यमंत्री दूसरे रास्ते से रीवा के लिए रवाना होंगे। रीवा में जन आशीर्वाद यात्रा के लिए व्यापक तैयारियां भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई हैं। जन आशीर्वाद यात्रा की रैली पद्मधर पार्क में सभा में बदल जाएगी। हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम रीवा में ही करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर 23 अक्टूबर को कल रीवा आ रहे हैं और रीवा में यह यात्रा ऐतिहासिक हो, इसके लिए पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त तैयारी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी त्योंथर में सुबह 11 बजे पहली जनसभा करेंगे, वहाँ से आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ होगी और सिरमौर आएंगे। सिरमौर में 1 बजे और 1 बजे के सिरमौर से फिर रथ यात्रा से चलकर सिमरिया से बनकुइयाँ होते हुए भिट्ठा मोड़, वहाँ पर रथ सभा होगी और फिर रीवा प्रवेश करेंगे। और रीवा प्रवेश करते समय उनका ऐतिहासिक रीवा नगर वासियों द्वारा स्वागत किया जाएगा और एक रोड शो चलेगा, जो कहाँ से जय स्तंभ से कॉलेज चौराहा और सिल्वी प्लाजा होते पद्मधर पार्क पहुँचेगा। पद्मधर पार्क में एक विशाल आम जनसभा होगी जिस पर बड़ी संख्या में रीवा नगरवासी अपने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री रात्रि प्रवास रीवा में करेंगे जी। माननीय मुख्यमंत्री जी रात को रीवा में विश्राम करेंगे और सुबह भोपाल के लिए 24 तारीख को प्रस्थान करेंगे।